देखिए हम आए हैं जन्मभूमि पे। ये कृष्ण जी की जन्मभूमि, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से गेट से आ भी होगा, फैमिली आई हमारे। ये हम कृष्ण जी की जन्मभूमि पे आते हैं, ये हमारा एंट्री गेट आने वाला है। हाँ हाँ, कान्हा जी के कपड़े लाला के लिए, ये हमारी फैमिली है, हमारे जीजू है। तो अभी हम लोग कृष्ण की जन्मभूमि पे आ चुके हैं और दर्शन कर लिए, बट यहाँ पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये इनका मेन गेट है और ये यहाँ पे द्वारपाल खड़े हुए हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, ये वही स्थान है। ये मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी है, बाबू है। तो दोस्तों अब हम आए हैं वैष्णो धाम मंदिर। मॉर्निंग में आए हैं, तो शाम को बहुत काफी लेट हो चुके थे ये, और अंदर जाके आपको बताते हैं। माता रानी के भजन छोटे छोटे चल रहे हैं। वो 20-20 रुपए यहाँ टिकट लगती है। ये वैष्णो धाम मंदिर है, ये मेरा भाई है माता का बेटा, और हम लोग जा रहे हैं माता रानी का। बहुत काफ़ी टाइम लगा था शुरू बनाने में, बहुत ही सुंदर है। अभी अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी पूरा व्यू। ये छोटी बहन है, आपने देखा होगा वीडियो में, ये इसकी बेटी है वैष्णवी। वैष्णवी वैष्णो धाम मंदिर आई है, इनको तो आप जानते हैं। आ रहे हैं बैग जमा करके अंदर, ये लेडीज की है। ये चलो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे, और यहाँ पे एक वो फैमिली फोटो होने वाला है हम लोगों का। पीछे हनुमान जी हैं जो माता रानी की भक्ति कर रहे हैं। ये यही वृंदावन में है, और इसको डैम बनाने के लिए काफी टाइम लग गया था। बहुत ही सुंदर है, आप काफी लोगों ने देखा होगा, जिसने देखा वो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे सिर्फ बैग जमा करने के लिए ही टिकट लगती है, अदरवाइज आपको वैसे फ्री है। ये मम्मी पापा सब लोग खड़े हुए हैं, ये यमुना जी हैं। यहाँ पर पहाड़ बनाए गए हैं, ये देखिए। ये जो जो यहाँ आ चुके हैं वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये माँ के दरबार के सम्मुख मन्नत का धागा, ये पेड़ है, ये आप जो भी मन्नत हो आपकी वो मांग सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ खाली खाली है ऐसे ही, गुफा टाइप से मतलब बनाई गई है। ये यमुना जी हैं, यहाँ पे लोग पैसे भी डालते हैं, देख रहे हैं आप। ये अगर प्लीज हेल्प अस टू कीप द टेम्पल क्लीन, मतलब मंदिर को साफ रखने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। ये गंगा जी हैं, इसमें भी लोग सिक्के फेंकते हैं। आर्ट गैलरी में यहाँ से है, इसका मतलब है कि कैसे कैसे बना था, क्या क्या था सब, ये देखिए। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, फिर ये सारी चीजें, ये पूरा, ये माता रानी का, हनुमान जी का कैसे कैसे बना था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे
एक एक चीज इनको इन्होंने आर्ट गैलरी में लगाया है, यहाँ पे देखिए। और किसी भी तस्वीर को हाथ नहीं लगाना है यहाँ पे, सिर्फ आप दूर से देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। पहले तो फोन यहाँ अलाउड नहीं था, मैं लास्ट टाइम आई थी आई थिंक 4-5 साल पहले आई थी। बहुत ही सारा व्हाइट पत्थरों से व्हाइट चीज से इसको डेकोरेट किया है, और सब में माता रानी की तस्वीर बहुत ही अच्छा लोकेशन आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भजन कर रहे हैं, देख सकते हैं। अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। किसी भी मूर्ति को बस आपको हाथ नहीं लगाना है, बस ये देखिए कितनी अच्छी पर्दों से, मतलब पर्दे टंगे नहीं है, ये पत्थरों से ही बनाया गया है तो, और इसके ऊपर ये डिजाइन डाल के पर्दे टाइप से, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ स्टोर वगैरह। हेलो गाइस, मेरे चाचा जी हाथ हिला रहे हैं, उन्होंने ये मेरी परी है, वैष्णवी है, वैष्णव मंदिर है, ये मेरी बेटी है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी है। अभी हम लोगों ने प्रसाद खाया, और प्रसाद खा के हलवा चला का बहुत मजा, और यहाँ पे धीरे धीरे भजन भी चल रहा है माता रानी के। और बताओ मनु, मैं कैसा लगा यहाँ के? अच्छा लगा ना, पूरी फैमिली के साथ और भजन जो पीछे चल रहे हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी यहाँ से जाके कैसा लगा सबको बताओ, गोल्डन गोल्डन हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। इसको देखो, ये तो ज्यादा ही खुश है, अभी माँ को खाई जा रही है, खाई जा रही है वैष्णवी। अभी हम लोग गुफा में एंट्री करने वाले हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। यहाँ थोड़ा सा धुंधला धुंधला लगा क्योंकि गुफा है, हर दीवार पे यहाँ पे माता रानी लगा है, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बहुत प्यारा क्यों तेरे यहाँ से गुफा से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा कार्तिकेय आओ बजाएगा। ये जय माता दी बोलो बोलो। चलो हर चीज बारीकी से बनाई गई है, बहुत ध्यान में रखिए। देखो शेर की, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है, और बहुत ही सुंदर बनाया है। ये पता नहीं क्या दिया गया है, प्रसाद प्रसाद दिया गया है बाहर जाने के लिए, इसमें शायद मिस्री है, देखेंगे कुर्सी क्या है। आई थिंक लोग काट रहे थे तो मुझे लगा इसमें मिस्री है। ये मंदिर काफी, मतलब जब बनाया गया था सारी चीजें कैसे कैसे बनाया था, किस तरीके से बनाया था, कितना टाइम लगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मूर्ति दे रखा है,
सब लगा हुआ है, तो आप आइए, जिन्होंने नहीं देखा वो आके जरूर देखिएगा। यहाँ सामने पार्किंग है, ये रही गाड़ी वगैरह लेके आता था, पार्क कर सकते हो। सबके तिलक लग रहा है राधे राधे का। हम आ गए हैं दूसरे मंदिर, शाप्रेकांत जू मंदिर। यहाँ से बाकी भी हरी मंदिर का प्रेम मंदिर, रुक्मणी बिहार आवास योजना। यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आप। यहाँ पे छोटी सी दुकान है, पर ये मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से हम लोग खा जा रहे हैं। ये छोटा सा मंदिर है, ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। ये कोई मतलब महाराज जी जिन्होंने बनाया है, महाराज जी का निवास है, यहाँ रहते होंगे वो। अभी बंद है सब वगैरह, यहाँ पे शायद भागवत वगैरह वो लोग करते होंगे। तो प्लीज जो जो भी यहाँ आ चुके हैं वो मुझे अपनी बताइए, और हम अपनी फैमिली के साथ आए, बहुत अच्छा लगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।